हाय गाइस, मैं शुभम वर्मा और आप हमारे चैनल इस धीरव पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल्स के बारे में, जो कि आज एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है इन बोथ जेंडर्स, वुमेन एंड मैन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल एक आजकल की यूजली प्रॉब्लम हो गई है, जो बहुत आप बहुत जेंडर्स मैन एंड वुमेन में देख सकते हैं। हेयर फॉल्स के बहुत रीजंस होते हैं, बहुत कारणों से हेयर फॉल होता है, जो एजिंग की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से हो सकता है, एजिंग की वजह से हो सकता है, आपको एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, हेयर्स में इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हो सकता है, और जो मेन रीजन है वो स्ट्रेस। आप जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उनको देखिएगा कि उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा, कुछ नुस्खे बताऊंगा, जो आप घरेलू नुस्खे होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो पहला पहला आपको यूज़ करना है एलोवेरा। एलोवेरा एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए ईजिली अवेलेबल एक चीज़ है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एलोवेरा एलोवेरा हमारे डैंड्रफ को दूर करता है, हमारी जो स्काल्प इचिंग होती है और फ्लैकिंग होती है उसको दूर करता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ को, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको इनिशिएट करता है हेयर ग्रोथ करने के लिए। आपको इसको यूज़ कैसे करना है, आपको एलोवेरा कट करना है, उसका फ्लैसी पार्ट निकालना है, उसको आपको आपके हेयर फॉलिकल्स तक मसाज करना है। आपको ऐसा 45 मिनट्स तक उसको रखना है, उसके बाद आपको उसको रिंस ऑफ कर लेना है, धो लेना है नॉर्मल वाटर से। आपको ये प्रोसेस 2 to 3 times a week करना है, आपको इससे बेनिफिट जरूर दिखेगा। सेकंड इज फेनिगेरिक सीड, जिसको हम मेथी भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और निकोटिनिक एसिड होता है, जो कि हेयर फॉलिकल्स को ग्रोथ कराता है और हेयर फॉलिकल्स को प्रोटीन से विटामिन देता है, जो हमारे हेयर्स में केराटिन प्रोटीन होता है वो देता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ईजिली होती है। आपको मेथी कैसे यूज़ करना है, आपको मेथी भिगो के रख देनी है एक वाटर में पूरे नाइट के लिए। उसके बाद आपको सुबह उसको ब्लेंड करना है, एक जिसे कहते हैं ना जेल टाइप बना लेना है, उसको जेल आपको हेयर्स पे लगाना है फॉलिकल्स तक, उसका ही मसाज करना है। इसको भी आप 2 to 3 times a week करें, आपको जरूर प्रॉफिट दिखेगा। थर्ड आपको कोकोनट मिल्क में आप देखेंगे कि कोकोनट मिल्क एक वो होता है एंटीबैक्टीरियल, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो स्काल्प पे ईचिंग वगैरह इसको होती है, इसको दूर कर देता है। तो जो आपके ना जो डिजीज वगैरह जो भी हेयर्स में होने वाली होती है वो नहीं होने देता है। सेकेंडली इसके अंदर पोटेशियम होता है, पोटेशियम एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जो हेयर ग्रोथ के काम आता है। तो आपको कोकोनट मिल्क, सिंपली कोकोनट मिल्क आपको लेना है और आपको आपके हेयर्स में फिर उसका ही मसाज करना है हेयर फॉलिकल्स तक, जिससे आपको एक प्रॉफिट ये मिलेगा कि आपके जो हेयर्स फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी और ग्रोथ के लिए बहुत ईजिली वो हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस आपको 1 to 2 times a week करना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड आप इंडियन गूसबेरीज यूज़ कर सकते हैं। इंडियन गूसबेरीज विटामिन सी एंड विटामिन बी में बहुत रिच होते हैं। विटामिन सी एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो हेयर फॉल के लिए काम होता है, क्योंकि अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होंगे आपके। तो आपको विटामिन सी के लिए आपको आंवला यूज़ करना है। प्रोसेस ये होगी कि आंवला आपको एक या तो लाइम जूस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, या आप आंवला पाउडर उसके साथ यूज़ कर सकते हैं कोकोनट मिल्क के साथ। सिंपली आपको इन दोनों में भी यही करना है, आंवला को कोकोनट मिल्क के साथ इतनी देर तक रखना है जब तक वो कोकोनट मिल्क ब्लैक ना हो जाए, उसके बाद आपको फिर उसके मसाज करा लेनी है, या आपको लाइम जूस के साथ रखना है आंवला पाउडर को, उसके बाद उसकी मसाज करा लेनी है। आपको ये 20 to 25 minutes अपने हेयर्स पे रखना है और वेट रखना है, भले आप उस शावर कैप पहन के रखें। इससे जो होगा, जो विटामिन सी और विटामिन बी की कमी आपके हेयर्स में है, वो आपको स्काल्प में है, वो आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत इजीली होने लगेगी। थर्ड इज बीट रूट जूस आपको यूज़ करना है। बीट रूट जूस में बहुत से वो होते हैं, उसमें सारे प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, जो कि सब कुछ हेयर ग्रोथ के बहुत बेनिफिशियल है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको ये सब यूज़ करना है, आपको बीट रूट जूस सिंपली लेना है और आपको अपने हेयर्स में लगा लेना है। इसको भी आपको वेट रखना है 20 to 25 minutes तक, जब तक आपके वेट रहेगा उसको आपको यूज़ करना है। उसके बाद ये भी आपको प्रोसेस 2 to 3 times a week करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपको। ये 1 month में आपको इससे बेनिफिट दिखने लगेगा। लास्ट पॉइंट आपका है, आपको अनियन जूस यूज़ करना है। अनियन जूस के अंदर होता है सल्फर एक मेन कंस्टिट्यूएंट है, जो हेयर ब्रेक नहीं होने देता है और आपके जो हेयर ग्रोथ है उनको, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है ये भी। तो अनियन जूस भी आपको सिंपली
अनियन जूस लेना है आपको, आपके हेयर्स में लगाना है, इसको भी रिंस इट ऑफ करना है खाली सिंपली वाटर से, आपको से कोई शैम्पू नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, जब तक आप ये सब प्रोसेस यूज कर रहे हो, या आपको कोई शैम्पू लगा रहे हैं तो आप माइल्ड शैम्पू ही लगाएं, जब तक आप ये सब, आपके अगर हेयर प्रॉब्लम्स है तो आप वैक्स वगैरह यूज ना करें, जेल वगैरह कुछ भी यूज ना करें, आप ड्रायर यूज ना करें, मतलब आप एक कोई भी ऐसी चीज यूज ना करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो आपके हेयर्स के लिए। आप ये सारे प्रोसेस 6 पॉइंट जो मैंने 6 प्रोसेस बताए हैं, आप इन 6 प्रोसेस को यूज करिए हर एक वीक डे के हिसाब से, और ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप जैसे मैनेज कर सके उसको, वैसे आपके हेयर ग्रोथ में आपको पक्का बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि आप देखिए मेरे हेयर्स बिल्कुल प्रॉपर है, मेरे भी बहुत झड़ रहे थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई प्रॉफिट मिले या बेनिफिट मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।